पहली गलती ये होती है कुछ लोगों की कि वो लोगों को सिर्फ जरियों पे भरोसा होता है, अल्लाह को तो भूल जाते हैं वो लोग। उन्हें ये दिखता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, तो वो चीज़ अधूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कामयाबी तब मिलती है जब अल्लाह पर हम भरोसा करना सीखते हैं। जरिए इख्तियार करो लेकिन भरोसा अल्लाह पर करो। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह तलाक में, सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है, अल्लाह ताला पे मामलात को छोड़ते हैं, अल्लाह ताला इस चीज को बहुत पसंद करता है। हम देखते हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वो लोग स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में टूट जाते हैं। जिंदगी तो नाम है भाई उतार चढ़ाव, उरूज और जवाल का। जिंदगी के अंदर बिल्कुल स्मूथ सेलिंग स्टोरी किसी की नहीं होती है। स्टोरी के अंदर अप्स एंड डाउन्स, हिकअप्स लगे रहते हैं। ये है जिंदगी, जिंदगी इसी चीज का नाम है। अब इसके अंदर अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो उसे बहुत इत्मीनान और सुकून रहता है, उसके दिल को बहुत साबित कदमी रहती है, उसके दिल में स्टेडफास्टनेस रहती है, वो अपने मकसद पे फोकस्ड रहता है अगर वो अल्लाह से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है।